निसर्ग तूफान महाराष्ट्र में तांडव मचाने के बाद चला गया, लेकिन महाराष्ट्र में समुद्र तट से टकराने के बाद मौसम ने करवट ली है। तूफान के गुजर जाने के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। अधिकांश जिलों में बुधवार रात से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह जल भराव हो गया है। मुंबई के सैन इलाके में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर निसर्ग तूफान के आने के बाद कई जगह तबाही के निशान छोड़ गए हैं। बुधवार को आए निसर्ग तूफान का सबसे अधिक असर रायगढ़ ज़िले में देखा गया है। तूफान के कारण अलीबाग में कई बड़े बड़े पेड़ गिर गए। NDRF कर्मी अब इन्हें हटाकर रास्ता साफ कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।